प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ना तो आजम खां की भैंस हूं और ना लालू यादव की, ना मैं कभी रामपुर गई ना पटना। मेरा उनकी भैंसों से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप मुझे विरोधी पक्ष की भैंस ना समझ लो। मैं तो भारत के करोड़ों इंसान की तरह आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हमें लगा था कि अच्छे दिन सबसे पहले हमारे ही आएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आपके राज में तो हमारी और दुर्दशा हो गई। जिसे देखो वही गाय की तारीफ करने में लगा हुआ है, कोई उसे माता बता रहा है तो कोई बहन। अगर गाय माता है तो हम भी चाची मौसी ताई बुआ कुछ तो लगती होंगी। हम सब समझती हैं हम अभागनों का काला रंग है ना, इसीलिए आप इंसान हमें हमेशा जलील करते रहते हो और गाय को सिर पे चढ़ा के रखते हो। आप किस किस तरह हम भैंसों का अपमान करते हो उसकी मिसाल देखिए। आपका काम बिगड़ता है अपनी गलती से और टारगेट करते हो हमें कि गई भैंस पानी में। गाय क्यों नहीं जाती पानी में, वो महारानी है क्या? या पानी में जाएगी तो गल जाएगी। आप लोगों में जितने भी बेवकूफ लल्लू हैं, उन सबको भी हमारे नाम पर ही गाली दी जाती है, काला अक्षर भैंस बराबर। माना कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन आपकी गाय ने कौन सी PhD करी हुई है? जब आप में से कोई किसी की बात नहीं सुनता तब भी हमें ही बोलते हो, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? आपसे कोई कह के मर गया था कि हमारे आगे बीन बजाओ, बजा लो अपनी उसी प्यारी गाय के आगे। अगर आपकी कोई औरत फैल के बेडॉल हो जाए, उसे भी हमसे कंपेयर करोगे कि भैंस की तरह मोटी हो गई हो। करीना कटरीना गाय और डॉली बिंद्रा भैंस, वाह जी वाह। गाली गलौज करो आप और नाम बदनाम करो हमारा कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। अगर हम गोबर करती हैं तो गाय कौन सा हलवा करती है? अपनी चहेती गाय की मिसाल आप सिर्फ तब देते हो जब आपको किसी की तारीफ करनी होती है। वो तो बेचारा गाय की तरह सीधा है, या अजी वो तो राम जी की गाय है। तो गाय तो हो गई राम जी की और हम हो गए लालू जी के। वाह रे इंसान, ये हाल तो तब है जब आप में से ज्यादातर लोग हम भैंसों का दूध पीकर ही सांड बने घूम रहे हैं, और हमें काटे जाने पर किसी का धर्म भी आगे नहीं आ रहा। उस दूध का कर्ज चुकाना तो दूर, उल्टे हमें बेइज्जत करते हैं। आपकी चहेती गायों की संख्या तो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी मेजॉरिटी में होते हुए भी हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप तो मेजॉरिटी के हिमायती हो, फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दे रहे हो? प्लीज कुछ करो, आपके कुछ करने के इंतजार में आपकी एक तुच्छ प्रशंसक।